नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि झारखंड से संबंधित। वैसे तो झारखंड के अलावा भी बहुत सारा है, लेकिन वैसे अभी फॉर द टाइम बिंग झारखंड का ही क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो आइए एक्चुअली मैं आपको टूर करवाता हूँ कि क्या बताने वाला हूँ इस सेशन में। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला, तो आप इसको जरूर अंत तक देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आपने कोई भी वेस्ट वीडियो जो है नहीं देखा, आपको आपके काम की चीज मैं दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, editorialword.com खोलना है। इसको खोलने के बाद आप क्या करेंगे, ये ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद ये रजिस्टर कहने को कहेगा, रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करेंगे आप तो यहाँ पे आपसे ज्यादा कुछ नहीं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको डालना है। ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना है यहाँ पे, आपको नया पासवर्ड डालना है, ठीक है? तो आप अपने ईमेल का पासवर्ड मत डालिएगा, अपना ईमेल डालिए और पासवर्ड एक बना लीजिए। इसको करने के बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद क्लिक मी, यहाँ क्लिक मी टू लॉगिन करना है। क्लिक मी टू लॉगिन करने के बाद आप डालिए, जैसे मैंने रजिस्टर किया है, इसको मैं डालता हूं और लॉगिन करता हूं। तो लॉगिन करने के बाद देखिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, वेलकम विद्या एट द रेट ऑफ gmail.com। अब यहाँ क्या आपको मिलने वाला है, झारखंड SSC मैथ रेलवे टॉपिक वाइज जीके बहुत कुछ मिलने वाला। देखिए झारखंड जीके मिलेगा, टॉपिक वाइज जीके मिलेगा, SSC जीके मिलने वाला, मैथ का क्वेश्चन मिलेगा और रेलवे का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आपको जो यूज करना आप यूज कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रैक्टिस। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब बस आपने पढ़ाई किया, यहाँ पे यहाँ पर आओ और प्रैक्टिस कर लो, तो क्या होगा इससे कि आपकी जो पढ़ाई है थोड़ा उसमें मजबूती आ जाएगी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आप झारखंड जीके में आते हो और JSSC के लिए आप कुछ प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो, तो नेक्स्ट करो आप यहाँ पे आने के बाद, लॉग इन करने के बाद। अब ये मॉक सेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड हार्ड क्वेश्चन का, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेट अभी बना हुआ। तो मान लेते हैं कि आपको कोई सेट लगाना हो, तो हम टॉपिक वाइज सेट लगाते हैं, ये वाला SSC GK है ना, SSC GK में ये सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज में आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद देखो सब्जेक्ट कौन कौन सा है, झारखंड के साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह से जुड़ा हुआ, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जब हुआ तो जुड़ा, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, पुनर्वास एवं पुनर्वास पुनर्स्थापना नीति से जुड़ा हुआ है, प्रत्यर्पण नीति से जुड़ा हुआ, मध्यकाल में झारखंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और क्षेत्रीय राजवंश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है पार्ट वन, और यहाँ पे चेरो राजवंश जनजाति से जुड़ा हुआ, फिर उसके क्षेत्रीय राजवंश पार्ट टू से जुड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, आज आपको क्या करना है, मैं क्षेत्रीय राजवंश से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष ला रहा हूं। अगर आप यहां आना चाहते तो आप यहां आइए, अदरवाइज मैं इसका एक वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से आप वीडियो को देखिए और आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है? तो टेक एग्जाम करता हूं। टेक एग्जाम जैसे कि क्वेश्चन आ गया हमारे समक्ष, देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? तो ऑप्शन है ए बिरसा मुंडा, सुतिया पहान, गया मुंडा, मद्रा मुंडा। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसी तरह मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। मैं इसका जवाब नहीं बताने वाला हूं, आपको इस वीडियो को आप देखिए और मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि क्या आप कितना स्कोर करते हो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं को शासक चुना गया। आप अगर आपको जैसे आपने इस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट किया आज और इसका आंसर आपको जानना है, तो इसका आंसर आप इसी वेबसाइट पर आके एक बार इसका टेस्ट लगा लीजिए। आप करना है निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा या ऋषा मुंडा द्वारा मुंडाओं को शासक चुना गया, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था। तीसरा क्वेश्चन है नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी। चौथा क्वेश्चन है नागवंशी शासक फणी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभक्त था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। और छठा क्वेश्चन है बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था। छठा क्वेश्चन है किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया कर दी थी। और आठवां क्वेश्चन है छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। नौवां क्वेश्चन
निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई? तो ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन है आपके समक्ष। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा के शासनकाल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने नागवंशी राज पर आक्रमण किया था? तो आप इन सारे क्वेश्चन को आइए इस लिंक पर आइए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कैसे आना है, और जो ऑप्शन आपको चूज करना है आप उस ऑप्शन को चूज कीजिए, और फाइनली क्या करना है आपको, सबमिट करना है। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, आपने गलत चूज किया या सही चूज किया, दोनों आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे बहुत सारा लिंक मिलने वाला है, संपूर्ण झारखंड का भूगोल, ये प्लेलिस्ट है, भूगोल अगर झारखंड का पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे जाकर आप खोल लीजिएगा, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट यहाँ दिखने वाला है, झारखंड से जुड़ा हुआ सारा प्लेलिस्ट। आपको जो क्लास लेना है यहाँ से आप आराम से ले लीजिए, जिसमें मिट्टी सिंचाई और भी जुड़े हुए विद्युत परियोजनाएं, नदी घाटी और जलप्रपात, नदियां, सारे यहाँ पे मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा बहुत सारे जनजाति, इतिहास, कला, संस्कृति, इन सारे वीडियो को आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस को अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपको अगर लगता है आपको कि ये प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है, अदरवाइज आप तो फ्री है, आप यूज करें ना करें दैट्स योर डिसीजन। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।